स्टैनली को नदी के किनारे एक लकड़ी का मास्क मिलता है। स्टैनली इस मास्क को अपने घर ले जाता है। वहाँ इसे मास्क के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। फिर ये इस मास्क को जैसे ही अपने चेहरे के पास ले जाता है तो ये मास्क इसके चेहरे से चिपक जाता है। उसके बाद ये चक्री की तरह घूमकर एक हरे मुंह वाले दानों में बदल जाता है। फिर इसे क्लब जाने का मन करता है तो ये चुपके से अपने घर से बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी इसके पॉकेट से एक छोटी सी घड़ी निकलकर वहाँ शोर मचाने लगती है। तो स्टैनली इसे चुप कराने के लिए अपने पॉकेट से एक बड़ा सा लकड़ी का हथौड़ा निकालकर इस घड़ी को फोड़ देता है। तभी वहाँ एक औरत इसे देखकर चिल्लाने लगती है। वो औरत इससे डरकर इसे बंदूक से मारने लगती है। लेकिन स्टैनली वहाँ से उछलकर भागने लगता है और नीचे रोड पर गिरकर चपटा हो जाता है। ये जब यहाँ से उठता है तो इसके सामने एक आदमी अपने गाड़ी का हॉर्न बजाने लगता है। लेकिन स्टैनली जब अपना हॉर्न निकालकर बजाता है तो उस आदमी की गाड़ी का शीशा ही फूट जाता है।